हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस के लेके जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन रखा है, जहां भी आप बाहर निकलो डिस्टेंस रखना है, और हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बाहर ही मत निकलो और प्रिकॉशन रखो, अपने आप को सेफ रखो। जितने आपको सेफ रखोगे उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस रोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैलने से रोकना है तो सबसे पहले वो शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। आज जो हम लेके आए हैं हमारे इस वीडियो सीरीज में, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स GST ऑन रिकवरी ऑफ फूड एंड ट्रांजेक्शन एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए आर्टिकल्स, यानी रिकवरी ऑफ फूड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जो हम एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं फूड और ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट है, एक तो इसका GST पे कौन क्या क्या इम्पेक्ट आएगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच कि जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल रहेगी वो वैल्यू का कौन सी वैल्यू रहेगी, जो रूल 28 के हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट की एप्लीकेबिलिटी, क्या हमको इस केस में GST की एलिजिबिलिटी किस तरह की है, तो वो पूरा डिस्कशन करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा, GST रिलेटेड अपडेटेड आपको हमारे इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वीडियो में सब्जेक्ट है हमारा GST ऑन रिकवरी ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो फैसिलिटी कंपनी, आप जैसे कॉरपोरेट कंपनियां रहती है तो उसमें ज़्यादातर ये फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को कंपनियां देती है, जैसे फूड, फ्री फूड, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी उसमें से कुछ परसेंटेज, बहुत ही नॉमिनल फीस अपने एम्प्लॉय से रिकवर करती है। तो आज उसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो रिकवरी हम एम्प्लॉय से करते हैं, क्या वो एक वन टाइप ऑफ सप्लाई है। नाउ अ डे वेरी कॉमन दैट कंपनीज आर डूइंग सम रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू देयर एम्प्लॉय। तो उसके ऊपर GST की इम्पैक्ट हम देखेंगे बाय वर्चुअल ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सी GST एक्ट 2017। ठीक है, नीचे दी गई एक्टिविटीज जो सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, जो दिखाती है कि ये सप्लाई है भले ही उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैज सिंप्लीफाइड इन सेक्शन 25 में डिफाइन किया है, व्हेन मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम करते हैं तो अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस माना जाएगा, चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो या तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो। As per definition of the related person, अगर मैं definition पढ़ूँ तो employer और employee are considered as a related person। ठीक है, यहाँ पर आपको related parties का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मेरा organization है तो उसमें एक related person यानी कि employee और उसका जो employer जो अपने employee को जो भी service देता है, तो ये दोनों के बीच में जो भी transaction होता है वो होता है related party मानी जाती है। So if any service we are providing with respect to food transportation facility will treated as supply and we need to pay GST on it। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सर्विस को हम GST के अंदर में ऐड करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो कहती है शेड्यूल 1 सी GST एक्ट सेक्शन 25 में ये बोला है कि रिलेटेड पर्सन यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये दोनों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिलेटेड पर्सन के माना जाएगा और उस केस में सप्लाई माना जाएगा, तो हमको उस केस में GST भी पे करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच GST एप्लीकेबल, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस वैल्यू पे GST एप्लीकेबल रहेगी। तो उसके लिए हैज पर रूल 28 आपको समझना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 के सबसेक्शन 4 एंड 5 में ये डिफाइन किया है वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों रिलेटेड पर्सन है, अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट सेल।
ठीक है, एजेंट को छोड़ के, मतलब एजेंट यानी कि थर्ड पार्टी को छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट है कि रिसीप सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड होना चाहिए अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट। एजेंट यानी कि कोई थर्ड पार्टी अगर ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो काउंट नहीं होगी इस डेफिनेशन में। बी द ओपन मार्केट वैल्यू एक तो ले सकते हो आप, सेकंड इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड थर्ड इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड ए और बी, द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेबल ऑफ रूल 30 और रूल 31 इन दैट ऑर्डर। सो वी आर प्रोवाइडिंग एनी सप्लाई टू एम्प्लॉय दैट वैल्यू ऑफ जीएसटी विल बी ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ दैट सप्लाई वी विल कंसिडर हैज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर ये ए और बी कंसिडर नहीं होता तो उस केस में हम रूल 30 और 31 के तरफ जाएंगे। रिसेंटली एन एडवांस रूलिंग इश्यू बाय केरला इन केस ऑफ कैलटेक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड विच से दैट रिकवरी ऑफ फूड एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर द कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट सप्लाई, ठीक है, उसको आउटपुट सप्लाई माना जाएगा एंड देयरफॉर टैक्सेबल है सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। ये एक सर्विस मानी जाएगी जीएसटी में, टैक्सेबल मानी जाएगी। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि रिकवरी ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन में अकाउंट हो जाएगी एंड सिंस इट्स एंसिलरी टू बिजनेस एक्टिविटी विद कंसिडरेशन एंड सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल सिंस इट इज रिलेटेड पार्टी, ये एक रिलेटेड पार्टी है एंड ट्रांजेक्शन हैज वेल बाय वर्चुअल ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2017। सो जीएसटी विल एप्लीकेबल ऑन दैट ट्रांजेक्शन इवन देर इज नो कंसिडरेशन, यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्योंकि ये सप्लाई माना जाएगा हैज पर शेड्यूल 1 ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2017, तो उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबल रहेगी। ऑन सेफ साइड ये हमको जीएसटी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर पे करनी है, वी शुड सजेस्ट दैट दिस शुड पे सर्विस अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, जो सर्विस हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं उस वैल्यू के बेस पे आपको जीएसटी पे करना है, बट द मैनेजमेंट डिसाइड हैज डीम इट फिट, यहाँ पर मैनेजमेंट भी ये डिसाइड कर सकता है कि इसमें किस वैल्यू आपकी जो पर्टेनिंग निकल के आती है जो सर्विस आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं तो उसका वर्किंग आपको अलग से भी ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड वेयर एन इनवर्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 1 अबव में जो मैंने यहाँ मेंशन किया था कि रिकवरी ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पर ये आउटवर्ड सप्लाई के डेफिनेशन में आता है, तो द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिशन और मिक्स सप्लाई, तो इस केस में आपको जीएसटी की क्रेडिट भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। जीएसटी रिलेटेड ऐसी अपडेट्स और नॉलेज शेयरिंग वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहे, आप हमको इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।